Assalamualaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. Our today lecture is related to some problems of linear equations, linear differential equations. ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है अगर आपको simply कोई भी equation आ जाती है तो सबसे पहले देखें कि वो exact है कि नहीं है, वो linear है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनके solution के methods थोड़े different हैं, तो इनको पहले understand करें. तो फर्दर डिटेल्स में मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ एक्स माइनस वन क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन स्क्वेयर इंटू वाई इज़ इक्वल टू दिस, सबसे पहले तो ये देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर किस तरह है, इसकी पावर वन है और कोई भी वाई इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है. उसके बाद आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक तो आपको पता होनी चाहिए और दूसरा इसको कन्वर्ट भी आपने करना है. कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो कोफिशेंट है वो नहीं है, इट मीन्स इससे जो है वो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, डिवाइड कर देंगे. तो जैसे ही हम इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वन क्यूब इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन क्यूब आ जाएगा. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखें. ठीक है, राइट वन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा वही जिस तरह मैंने आपको बताया, डिवाइड किया ऊपर वाले दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये रह जाएगा, सिंपलीफाई भी उसको कर लेना है. तो यहाँ पे जो भी वाई का कोफिशेंट होता था उसको हम क्या कहते थे कि ये पी ऑफ एक्स है. स्टैंडर्ड फॉर्म में यही था ना, जो राइट साइड पर था उसको क्या कहा था हमने कि ये क्यू ऑफ एक्स है. ठीक है, क्यू ऑफ एक्स है, इट मीन्स ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे. वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, ई रेस टू द पावर लिखेंगे. पी ऑफ एक्स फोर ओवर एक्स माइनस वन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स किया, फोर कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा. एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन है, इट मीन्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन हो गया. आप देखें इस पे अगर आप लॉगरिथमिक रूल्स अप्लाई करें तो ये फर्दर किसके इक्वल होगा, ये जो फोर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पावर बन जाएगी, ई रेज टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन पावर फोर. अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फोर रह जाएगा. ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये तो था पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या था कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने क्या बनाई है, ये वाली बनाई थी, ये वाली जिसको इक्वेशन टू का नाम दिया, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग टू बाय एक्स माइनस वन रेस टू द पावर फोर. तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स माइनस वन रेस टू द पावर फोर आ गया प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन रेस टू द पावर थ्री, क्योंकि एक ओवर में था वो कैंसिल हो गया, इंटू वाई आ गया. इसी तरह से ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई. उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा डेरिवेटिव कम्प्लीट हो रहा है, डेरिवेटिव कौन सा कम्प्लीट हो रहा है. इसके बाद ये आप इसको थर्ड स्टेप कह लें. थर्ड स्टेप क्या है, आप देखें अगर आप इसको एक दफ़ा देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी. यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे सिंपल वाई है, यहाँ पे एक्स माइनस वन पावर फोर है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होके फोर इंटू एक्स माइनस वन पावर थ्री है. इट मीन्स ये डेरिवेटिव कम्प्लीट हो रहा है एक्स माइनस वन पावर फोर का और वाई का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड एज इट इज़. राइट हैंड साइड पे जो है वो हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा. और यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपके पास एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है, या फिर अगर आप जनरली इसको डिस्कस करें एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे जो था ये हमारे पास था x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो इसको हमने लिख दिया x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर दैट इज़ वन, ये चीज़. ठीक है, इसको इसके इक्वल लिख दिया. अब क्या करना है, ये तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इट मीन्स क्या रहेगा, एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फोर इंटू वाई इज़ इक्वल टू.
अब यहाँ पे भी आपने इंटीग्रेट करना है, ये नहीं करना है एक साइड को इंटीग्रेट कर दिया दूसरी को आपको याद नहीं रहा, ठीक है। इस तरह मिस्टेक से आपके छोटी सी मिस्टेक होती है जो कि एक्चुअली राइटिंग मिस्टेक होती है, या फिर अगर आप स्पीड से काम कर रहे हो तो अक्सर कमिट हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से मोस्टली मार्क्स बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं। तो राइट साइड पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब ओवर 3 आ गया, माइनस 1 है तो माइनस एक्स आ गया, प्लस सी दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई करते हैं इसको हम डिटेल में फिर किस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। विच इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ 1, इसको जनरल सोल्यूशन क्यों कहा है, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट इन्वॉल्व है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमने नहीं दी। अगर इसकी कोई हम स्पेसिफिक वैल्यू दे देते तो इसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह से आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।